गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आज हम बच्चों रिव्यू वर्कशीट जो 5 हमारी शायद मुझे लग रहा है रह गई थी वो हम लोग कर लें। फिल इन, सबसे पहला जो मनी है 50 पैसा और ये 1 रुपी, तो 2 रुपी 1 रुपी 3 रुपी 3 या लिखेंगे हम रुपीज 3.50। ये इसका मिलेगा ए का। बी, ये 10 रुपी का नोट है और कॉइन है 1 और कॉइन है 50, तो 10 और 1 11 तो रुपीज 11.50। फिर सी, 50 रुपी का नोट है और 50 पैसे हो जाएंगे हमारे 1 रुपी, तो हो जाएंगे रुपीज 51। ये डी वाला आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डी सम्स, तो ये है आपको 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 2 6, पहले 1 से प्लस से करेंगे और फिर 2 4 8, तो ये हो गया हमारा 86। फिर है 54 6, 6 4 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 20। अब 2 डिजिट में हमारा आ गया, तो जो 1 प्लेस वाला है वो यहाँ रखेंगे, 10 प्लेस वाले को 6 5 30, और 30 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32। नंबर 3, 128 7, इजी है। अगर कैरी आता है 2 डिजिट में आंसर तो आपको बस कैरी करना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 8 7 56, तो 6 को यहाँ रख के 5 को कैरी कर देंगे। 7 2 14, 15 16 17 18 19, तो 9 को यहाँ रखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 7 1 7 8, पहले यहाँ से फिर यहाँ से और ये यहाँ से। 2 डिजिट में आंसर आते ही हमें ध्यान रखना है कि जो 1 प्लेस वाला है वो रखना है और जो 10 प्लेस वाला वो कैरी फॉरवर्ड करना, बस इतना ध्यान रखेंगे। और उस कैरी को जो आंसर आता है मतलब 7 2 14, तो इसको यहाँ 14 में प्लस करके लिखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इजी। ओके, ये करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड, 10 डिवाइड 2, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो हमारा नंबर है डिवाइड के साइन के पीछे जो नंबर दिख रहा है हमको, है ना, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, तो जो डिवाइजर है उसकी टेबल बोलनी है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, बस ये नंबर आते ही वहां रुक जाना। कितने टाइप्स आया? 5। और वैसे वो वाला मेथड जो मैंने सिखाई थी आपको लॉन्ग मेथड, वैसे करना चाहे तो वैसे कर ले, ये भी इजी है, बस टेबल ही याद होनी चाहिए। फिर है 18 डिवाइड 6, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये है F और ये है G, देखिए टेबल, इसकी टेबल बोलनी है। कितने टाइम्स तक, कब तक बोलनी है? जब तक 18 ना आए। देखिए टेबल बोल, 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 3 6 18, कितने टाइम्स आया? 86 टाइम्स। ठीक है बच्चों, बस 36 और 9 है, 9 की टेबल बोली, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, तो 4 टाइम्स आया, 4 लिख दीजिए आंसर। फिर है हमारा एन, इसमें आपको मनी को रुपीज पैसे को माइनस और प्लस करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ये रुपीज तो मनी आप कर ही लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
64 children stand in 8 equal lines. How many children are there in each line? मतलब 64 children हैं और कितनी line में खड़े हैं? 8 equal lines. Means ये 8 equal lines हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और total children हैं 64. Total children कितने हैं हमारे पास? 64 और lines कितनी हैं? 8. अब हमें ये पता लगाना है कि ईच लाइन में कितने स्टूडेंट हैं. क्या करेंगे हम लोग, जब बहुत सारी चीज और कुछ पता लगाना हो वन का, तो हम डिवाइड करते हैं. तो ईच लाइन का हमें पता लगाना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 64 / 8 = 8. की टेबल में 64 कितनी बार आता है? 8 × 8 = 64. कितने इस साइड में कितने चिल्ड्रन खड़े हैं? 8 चिल्ड्रन आर इन ईच लाइन. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया. मनी तो आप प्लस माइनस कर ही लेंगे, ये करिए रिव्यू वर्कशीट बुक में ही करिएगा, कॉपी में नहीं करना है. और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मनी. ओके, अब हम आएंगे जो हमारा है टाइम कैलेंडर, हमारा हो चुका है टेलिंग द टाइम, हो चुका है मैथ भी हमने कर लिया है, मेजरिंग लेंथ. अब कैसे हम लंबाई नापते हैं? स्केल, रूलर, हैंड स्पान, फुट स्पान. फुट स्पान, हैंड स्पान हमने क्लास वन में भी सीखा था. और सबसे पहले आपको ये दिया भी है, वी मेजर बाय कंपेयरिंग, है ना. रवि वॉन्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज पेंसिल, ही कंपेयर्स इट लेंथ विद हिज हैंड स्पान विद द लेंथ ऑफ हिज इरेजर. तो वो इरेजर और उसकी पेंसिल को, आप भी बच्चे जब खेलते होते हो फ्री टाइम में, तो दो एक दूसरे बच्चे की पेंसिल लेके उसकी पेंसिल से अपने को मेरी लंबी है तेरी छोटी है, ये होता है मेजरिंग, है ना. रवि's मदर मेजर द पेंसिल विद हर इरेजर एंड हैंड स्पान. जो रवि की मदर है उसने उसकी पेंसिल को उसके इरेजर और उसके हैंड स्पान से किया है. तो द मेजरमेंट वुड बी द सेम इफ बोथ यूज द फिक्स्ड लेंथ टू कंपेयर. सेंटीमीटर इज स्मॉल फिक्स्ड लेंथ. सबसे जो नॉरी स्मॉल और फिक्स्ड लेंथ कौन सी होती है? सेंटीमीटर. इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ. छोटी छोटी लेंथ लंबाई को नापने के लिए ये यूजफुल है. योर रूलर है सेंटीमीटर मार्क्स ऑन वन साइड. रूलर नहीं है आज मेरे पास, वरना बताती आपको, तो मैं आपको रूलर लाके भी बताऊंगी कि जो ये जो दिख रहा है ना 0 से 1 के बीच में जो ये डिस्टेंस ये दिख रहा है, ये है 1 सेंटीमीटर. 3 से 4 के बीच में हर डिजिट के बीच में जो ये बनी हुई लाइन से, ये है 1 सेंटीमीटर. रूलर भी हम लोग करेंगे. इन दिस रूलर द टॉल लाइन्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. सेंटीमीटर इज रिटन एज सी एम इन शॉर्ट. तो फिल इन लेंथ, ये अब यहाँ पे हमें कार की लेंथ बतानी है हमें यहाँ. तो ये वाला हम स्टार्ट करेंगे मंडे से. एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी है मैंने आपको. मीटर इज ऑल्सो फिक्स्ड लेंथ. ये 100 मीटर इज कल 100 सेंटीमीटर. ये सारा चीजें हम लोग इसमें भी ऐड करना, सब्जेक्ट करना, सब कुछ है. तो ये मेजरिंग लेंथ ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों.